एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जिसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, उसके लिए भी अगर मैं किसी जनरल ए पॉइंट पर डिस्कस करूं तो पोटेंशियल में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज के बाहर फील्ड अगर के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, तो एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर भी किसी जनरल पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। अगर फील्ड का फॉर्मूला सेम है तो इनफाइनाइट से ए तक आने तक जो एजेंट वर्क डन करेगा वो भी सेम होगा, एंड दैट वर्क डन ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड, वो आया है के क्यू बाई आर। तो अगर मैं सरफेस पे बात करूं कि इतना पोटेंशियल होगा, तो बाहर के किसी भी पॉइंट का डिसीजन हम इसी पोटेंशियल से ले सकते हैं। इनफाइनाइट से जनरल आर तक लाने का वर्क डन अगर ये है, तो कैपिटल आर डिस्टेंस तक लाने का वर्क डन के क्यू अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा, यानी सरफेस तक का पोटेंशियल इतना होना चाहिए। अगर मैं अंदर के किसी एम पॉइंट पे ले जाने की बात करूं, तो क्या मैं एक टेस्ट चार्ज को, सोचो यहां मटेरियल कट करके पतली सी जगह बना के मैं सरफेस से एम तक ले जाऊं, फर्दर वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं? तो जवाब है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो फर्दर एक टेस्ट चार्ज को एस से एम ले जाने में भी वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर वो वर्क डन हम ला पाएंगे तो हमें एम का पोटेंशियल पता चल जाएगा। वर्क डन बाय एजेंट लाने के लिए हम ऐसे सोचते हैं, एक टेस्ट चार्ज को मैं अंदर ले जा रहा हूं, तो डी डब्ल्यू पहले सोचते हैं, डी डब्ल्यू क्या होगा? डी डब्ल्यू विल बी फोर्स इंटू डी एस। फोर्स एजेंट को लेफ्ट लगाना है, शिफ्टिंग भी लेफ्ट हो रही है, जीरो डिग्री का मामला है, क्योंकि मैं अंदर ले जा रहा हूं तो रेडियस कम हो रही होगी, तो डी एस की जगह माइनस डी आर लिखना है, और यूनिट कूलाम के लिए बात हो रही है तो एफ की जगह ई आएगा, और वो ई का रिजल्ट हम लोग ला चुके हैं, वो होता था के क्यू स्मॉल आर डिवाइड बाई आर क्यू, पीछे चेक कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, डी डब्ल्यू बाय द एजेंट ऐसे लिखा जाएगा। तो अगर पूरा वर्क डन लाना है तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा सरफेस से लगा के जनरल आर तक। एम पॉइंट का जनरल रेडियस मैंने स्मॉल आर ही लिया है, तो ये वर्क डन बाय एजेंट आया है के क्यू अपॉन टू आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एम का पोटेंशियल हमें लाना था, सरफेस का पोटेंशियल ऑलरेडी पता है, दैट इज के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब हम एम का पोटेंशियल बता सकते हैं अंदर के किसी पॉइंट का, कुछ इस फॉर्म में लिखा है कि हमें दिख जाए के क्यू बाई आर कॉमन आ रहा है, इसको सॉल्व कर देंगे तो एम का पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू अपॉन टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये रिजल्ट हमें याद रखना चाहिए। ये अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल दे सकता है, तो अगर मैं चाहूँ तो सेंटर का भी पोटेंशियल हम इसी की मदद से ला सकते हैं, स्मॉल आर की जगह जीरो रख के। स्मॉल आर जीरो रखेंगे तो वो सेंटर की बात हो जाएगी, और सॉल्व करेंगे तो वो आंसर आएगा थ्री बाई टू के क्यू बाई कैपिटल आर। मीन्स कि सरफेस के पोटेंशियल से अंदर का पोटेंशियल थोड़ा और ज़्यादा होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि एजेंट ने फर्दर वर्क डन किया है। तो मैं इसी स्फीयर के नीचे वी वर्सेस आर ग्राफ की बात करने जा रहा हूँ। जब तक हम सरफेस तक जाते हैं तब तक का बिहेवियर ग्राफ का इससे तय होगा, इस फॉर्मूले से, यानी इनसाइड वाले से, और आउटसाइड का डिसीजन इस फॉर्मूले से होगा। हमने देखा सेंटर पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, तो सेंटर से लेके सरफेस तक आने पे पोटेंशियल कम होगा, और फर्दर इस रूल के हिसाब से और कम होगा, यानी कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। किसी के दिमाग में एक ख्याल आ सकता है कि ये ग्राफ ऊपर के नेचर के बजाय नीचे के नेचर का भी तो हो सकता था, ये कैसे तय किया जाएगा? लाइन तो नहीं होगा पक्का है, लेकिन ये कैसे तय होता है कि ऐसा या ऐसा? वो बेसिकली डी वी बाई डी आर से तय होता है। यानी अगर मैं डी वी बाई डी आर निकालूं यहाँ पर, तो पहली बात तो डी वी बाई डी आर नेगेटिव आ रहा है, यानी निगेटिव स्लोप, तो निगेटिव स्लोप यहाँ भी है, निगेटिव स्लोप यहाँ भी है। आर बढ़ने के साथ साथ ओवरऑल वैल्यू बढ़ना है, यानी ये स्लोप के मुकाबले बाद वाला स्लोप ज़्यादा होगा। अगर मैं ऐसा ग्राफ कंसीडर करता तो स्लोप कम हो रहा है, यहाँ स्लोप मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ रहा है, इसलिए मैंने ग्राफ ऐसा चूज़ किया है।